धनबाद गुरुवार को दौरा में पहुंचे केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी अपनी सादगी को लेकर चर्चा में हैं। गुरुवार को कोयला मंत्री धनबाद दौरा में आए थे। बीसीसीएल अग्नि प्रभावित भूधसान क्षेत्र बिलगड़िया टाउनशिप बिलगड़िया मल्टी स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट सहित कई क्षेत्र का दौरा निरीक्षण किए थे। बिलगड़िया में रह रहे लोगों से बात की, वहीं बिलगड़िया मल्टी स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट परीक्षार्थियों को संबोधित भी किया। निरीक्षण कर लौटने के दौरान कोयला मंत्री अपनी गाड़ी चांदकुया स्थित उत्पाद चाय दुकान में रोक दिए, जिसके बाद मंत्री का पूरा काफिला भी रुक गया। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। कोयला मंत्री गाड़ी से उतरकर सीधे चाय दुकान पहुंचे, चाय दुकानदार से बात की, उसके बाद चाय पिए। साथ ही मंत्री के साथ चल रहे सांसद जुलू महतो, कोल सचिव अमृत मीना, कोल चेयरमैन पीएम प्रसाद, सीएमडी सिमरन दत्ता सहित अन्य मंत्री भी चाय पिए। वहीं कोयला मंत्री ने चाय का पेमेंट ऑनलाइन फोन पे से किया। मंत्री के इस सादगी से खूब चर्चा हो रही है। वहीं कोयला मंत्री ने कहा कि एक महीना उनका कोयला मंत्री बने हुए हुआ है, दिल्ली में बैठकर सुनता था, यहां आकर सब कुछ देखे हैं, विस्तृत रिपोर्ट इसका बनाएंगे, एक्शन प्लान कर सभी को विस्थापित किया जाएगा। बेलगड़िया में क्लोनी बनाने का काम चल रहा था जो अभी ब्रेक में है, राज्य सरकार से भी इस पर बात करेंगे। वहीं एनटी देवप्रभा आउटसोर्सिंग द्वारा रैयतों के जमीन पर जबरन कोयला उत्खनन और ओवी डंप करने की बात पर कहा कि सभी चीजें की जानकारी मिली है, रिपोर्ट बनाकर कार्रवाई होगी। बीसीसीएल सचिव, चेयरमैन, सीएमडी, जिला प्रशासन सभी इस दौरा में साथ रहे, मिलकर समीक्षा बैठक करेंगे। बलेड़िया टाउनशिप बनाने के लिए भारत सरकार बहुत साल से पहले निर्णय करके इधर कॉलोनी बसाने के लिए प्रयास किया है और कुछ घर भी बनाया, कुछ गौर में लोग आके भी बस रहे, मगर स्कीम जो है बीच में रोक गए। इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी हैंडओवर करना है, स्टेट गवर्नमेंट इसमें जिम्मेदारी लेना है। भारत सरकार की तरफ से, कोल मिनिस्ट्री की तरफ से, बीसीसीएल के तरफ से हम पूरा सहयोग देंगे। इसके लिए जो अभी प्रधानमंत्री की तरफ से मैं आया हूँ, कर्मचारी से मिल रहा हूँ, जो लैंड चले गए उनसे मिल रहा हूँ, जो कॉलोनी में है उनसे मिल रहा हूँ, ऐसे ट्रेनिंग सेंटर से मिल रहा हूँ। एक बार आज पूरा दौरा करके एक रिपोर्ट तैयार करके जो भी समस्या है समस्या को हल करना चाहिए। हम समस्या को दूर करने के लिए लैंड प्रॉब्लम हो, टाइटल प्रॉब्लम हो, रिहैबिलिटेशन प्रॉब्लम हो, बिना पैसे देते हुए माइनिंग कर रहे ऐसा प्रॉब्लम हो, सो भी समस्याओं को जितना जल्दी हो सकते हैं उतना जल्दी एक के बाद एक दूर करने के लिए हम एक रिपोर्ट तैयार करके झारखंड सरकार से बातचीत करके उनका संयोग से उनके नेतृत्व में ये समस्या दूर करने के लिए प्रयास करेंगे। आने वाले दिन में जो फायर हो रहा है कुछ जगह और लोग उनका विस्थापित करने के लिए डिमांड कर रहे हैं, हम इधर ही रहने चाहे हमारे को कब घर देंगे ऐसा वो लोगों का डिमांड भी है, मुझे भी मिला है कुछ लोग, कुछ गांव के लोगों को भी और बसाना है। जो क्वार्टर्स है क्वार्टर्स पूरा 100% कंप्लीट करना है, ज़रूरत पड़े तो और क्या क्या उसके परमानेंट सॉल्यूशन, जो समस्या है परमानेंट उसका समस्याओं को हल करने के लिए ऐसा कैसा काम करना है हम जरूर एक बार चर्चा करके। इसमें पहली बार आया हूँ मैं, एक महीना हो गया मंत्री बनकर, इसलिए मैं देखने के लिए आया हूँ। एक बात, जितना दिल्ली में बैठ के सुनने तो अलग है, पर्सनल आए तो हमारे को मालूम पड़ता है, इसलिए मैं स्वयं आके हमारे अधिकारियों के टॉप हमारा मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी साहब है, कोल इंडिया का चेयरमैन भी है और इसका बीसीएल का अधिकारी है, जिला के रेवेन्यू ऑफिसर्स भी है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी है, सभी लोग हम आके देख रहे। हम आने के बाद एक मीटिंग करके फिर इसके लिए एक एक्शन प्लान बनाकर आपके सामने आएंगे। पर कोई सुनवाई नहीं सुनती है, इसलिए आया ना मैं। सुनूंगा कि एक मामला है सर, रैयतों के जमीन पर एटी आउटसोर्सिंग कंपनी जो है वो डंपिंग किया जा रहा है। मैं कुछ बोला ना, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, बिना एक्विजिशन के या कुछ लोग माइनिंग भी कर रहे हैं, वो भी समस्या।